उर्मी, वो उर्मी, ये आदमी कौन खड़ा है? तब से देख रहा हूँ मैं, घूर रहा है। ईशान, ये हमारा नया ड्राइवर है, भैया लेकर आए थे, एक मिनट हमें लाते। सुनो। जी मैम। इधर आओ। नमस्ते सर। ये हमारा नया ड्राइवर है और ये ईशान सर है। नमस्ते सर। नमस्ते। अब क्या नाम है आपका? वीरू नाम है सर हमारा। वीरू। अब नए ड्राइवर की क्या जरूरत थी भाई? क्यों, काम पे जाते हैं तो ड्राइवर की जरूरत होती है ना ईशान। मैं जो हूं अब बहुत जल्द आपका फुल टाइम ड्राइवर बनने वाला हूँ। कुछ भी बोलते हो तुम ईशान। अरे उसी से पूछ लो, मैडम तो मेरे घर आने वाली हैं बहुत जल्द शादी करके, फिर आपका क्या काम रह जाएगा? कोई बात नहीं सर जी, हम आपके यहाँ काम पकड़ लेंगे। बहुत सही वीरू। अच्छा वीरू, एक काम करो, तुम हमारा इंतजार करो, हम अभी ईशान सर के साथ जाएंगे। ओके मैम। मॉम, शौर्य नहीं है? शौर्य, किसी फ्रेंड का फोन आ गया, उसने कहा कि वो घर आ रहा है, तो फिर अब शौर्य शॉपिंग के लिए नहीं आना चाहता। ऐसे कौन से दोस्त का फोन आ गया, हम जाकर देखते हैं। दोस्त कौन सा है वो तो पता नहीं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर शौर्य नहीं आ रहा है तो फिर मैं भी उसके साथ यहीं रुक जाती हूँ। वाय मॉम, आप क्यों नहीं चलेंगे हमारे साथ? मैं तुम दोनों के बीच कबाब में हड्डी बनकर क्या करूँगी? तुम दोनों जाओ, एक दूसरे के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, चलो जाओ जाओ। नहीं आंटी, ये कैसी बात कर रही हैं आप, चलिए ना आप भी प्लीज, अच्छा लगेगा, हम सब साथ ही चलते हैं। हाँ हाँ मॉम, साथ चलते हैं, शादी की शॉपिंग साथ साथ ही होनी चाहिए, मजा ही साथ साथ में, क्यों? बिल्कुल भी नहीं, तुम दोनों अकेले जाओगे और मैं यही शौर्य के साथ रखूंगी। चलो नाउ डोंट वेस्ट टाइम, जल्दी जाओ। ठीक है, अब जैसा आपको ठीक लगे। उर्मी, अब आप तो चलेंगी ना मेरे साथ हमारी शादी की शॉपिंग के लिए? ऑफ कोर्स चलेंगे, चलते हैं आंटी, बाय। थैंक यू। बाय मॉम। बाय।